इस वक्त पूरा उत्तर भारत गर्मी की तपिश झेल रहा है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीर सामने आती है वो ये बताती है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दो रोज पहले की अगर बात करें तो 100 साल का रिकॉर्ड तब टूटा जब देश की राजधानी दिल्ली में 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यूपी की बात करें तो वहां पर भी औसत 45 डिग्री जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के हालात ऐसे ही बने। शेखपुरा में कई बच्चों की तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल पर एडमिट किया गया है। बिहार का अगर ओवरऑल हम डेटा देखें तो ये कहा जाता है कि 350 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया, जिसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि स्कूल्स को बंद किया जाता है। 8 जून तक तमाम जो स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो बिहार में बंद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी स्थितियाँ ऐसी ही बनी हुई हैं। हीट स्ट्रोक से कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गर्मी के इस मौसम में आप अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक की सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट है वो सामने आ रही है। और ये हाल सिर्फ एक सूबे का नहीं है, अलग अलग राज्यों का है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि मौसम विभाग की तरफ से, IMD की तरफ से सीधे सीधे शब्दों में ये कहा गया कि वो लोग जो कि दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलते हैं उन पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। आम लोगों को ये सलाह दी गई है कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे के बीच आप कहीं बाहर मत निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो उस वक्त हीट स्ट्रोक की सबसे ज्यादा संभावना बनती है। उस वक्त आप बीमार हो सकते हैं क्योंकि सूरज अपने चरम पर होता है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर ये फैसला लिया है कि जो मजदूर है वो 12 बजे से 4 बजे तक काम नहीं करेंगे। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्हें इस दौरान पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कहा गया कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर आप कूलर की सुविधा दी जाए, फैन की सुविधा दी जाए, ताकि वो बीमार ना पड़े। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो जानने वाली बात है वो ये कि इस गर्मी में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पानी लगातार पीते रहिए, क्योंकि आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कहेंगे कि आपको प्यास नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आपको सलाह ये दी जाती है कि पानी ज़रूर पीते रहें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कभी आपको प्यास लगे और आप सोचते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पी लें, आप कोक पी लें, आप थम्सअप पी लें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता। ये तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, यानी कि आपकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये बातें कहते हैं कि अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी ही पीजिए, नहीं है तो आप नारियल पानी पी लीजिए, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की गलती कभी मत कीजिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कई बार आप गाड़ी में रहते हैं, आपने पानी की बॉटल गाड़ी में रख दी, लेकिन अगर आप कुछ घंटे के बाद पानी पीते हैं तो आपको लगता है कि पानी बहुत गर्म है या आपके शरीर के लिए खराब, पानी नहीं पीते। लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर आप गर्म पानी भी, मतलब अगर आपने सुबह से लेकर के शाम तक वो पानी रखा रहे और पानी गर्म हो चुका है, अगर आप फिर भी उसे पीते हैं तो आपकी बॉडी पर कोई इसका नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी ये भी है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने कान को, आप अपने सर को जरूर ढके, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना गर्म हवा जो है वो आपको प्रभावित कर सकती है। जो बुजुर्ग हैं वो इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि दिन भर में एक से ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन ना करें। AC कूलर में भी रहेंगे तो चाय या कॉफ़ी शरीर को डिहाइड्रेट कर देगा। डाइट लाइट रखें, भूखे भी ना रहें, एक मौसमी फल को जरूर डाइट में शामिल करें। दिन में 1 से 2 बार सौंफ का पानी भी पिए। 70 साल से अगर आप ज्यादा के हैं तो नौतपा में रोजाना तापमान नापें, शरीर को जो हीट क्रैम्प्स है उससे बचाया जा सकता है। वॉक सुबह 8 बजे से पहले या रात की 8 बजे के बाद ही करें। तो ये तमाम चीज़ें जिसका आपको एहतियात रखना होगा, जिसका आपको पालन करना होगा, क्योंकि गर्मी प्रचंड है और ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी।